प्यारे बच्चे, आज कक्षा में स्वागत है। और आज हम छठवीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक से मेरा परिवार पाठ के बारे में जानेंगे। और मेरा परिवार बोले तो सबके लिए अपने अपने परिवार होते हैं। परिवार माने क्या है? फैमिली। परिवार माने क्या है? फैमिली। और यहाँ पर परिवार, मेरा परिवार पाठ से कुछ अक्षरों पर अधिक ध्यान देते हुए और कुछ मात्राओं पर अधिक ध्यान देते हुए हम इस गीत को गाएंगे। और यहाँ पर इस पाठ्य पुस्तक में हम यह चित्र देखने पर हमें पता चलता है यह एक परिवार है। यह एक क्या है? परिवार है। और इस परिवार में कौन कौन क्या कर रहे हैं? और माँ क्या कर रही है? रसोई घर में तरकारियाँ काट रही है। और यहाँ पर दादी, दादा अखबार पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर दादी ऐसा और खड़ा होती हुई और यहाँ पर मीठे मीठे गाना सुना रही है। और यहाँ पर दो बच्चे हैं। और यहाँ पर और इस परिवार के दोनों बच्चों के और पापा है और बाहर से अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पर इस चित्र को देखने पर और इस कविता के बारे में हम ऐसा गीत गाने पर और यह पाठ हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए ईशान भट्ट पर गा त महाप्राण था, महाप्राण ध पा, इन पांच अक्षरों पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। और ये क्या है? ए ए ए मात्रा, आई आई मात्रा, और इन मात्राओं पर भी हम ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए एक बार मैं यह इस गीत को गाऊंगी, आप सुनिए। दादा पढ़ते हैं अखबार, दादा पढ़ते हैं अखबार। पढ़ना माने क्या है? रीड करना। और दादा पढ़ते हैं अखबार। दादा माने क्या है? ग्रैंडफादर। क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। और पापा जाते हैं बाजार। पापा, पापा मीन्स कौन है? पापा कौन है? फादर। कहाँ जाते हैं पापा? बाजार जाते हैं। दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती। दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती। दादी मीठे गीत सुनाती। दादी कौन है? दादी का अर्थ क्या है? और ग्रैंड मदर। और यहाँ पर दादी क्या कर रही है? मीठे गीत सुना रही है। और माँ अच्छे पकवान बनाती। माँ क्या बनाती है? पकवान, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस खाने के लिए हमारे लिए बनाती है। मैं और भैया दोनों पढ़ते, मैं और भैया दोनों पढ़ते, हम सब मिलजुल कर रहते। मैं और भैया दोनों पढ़ते। मैं बोले तो कहा कौन है यहाँ पर? लड़की। क्योंकि यहाँ पर भैया बोली और भैया बोले तो भैया के बारे में बोलने वाली कौन है? बहन। इसलिए बहन कह रही है मैं और भैया दोनों पढ़ते, हम सब मिलकर मिलजुल कर रहते। घर में दादी, दादा, माँ, पापा और ये हम सब कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। मुझको अपने घर से प्यार, मुझको अपने घर से प्यार है। सबको भी अपने परिवार के ऊपर बहुत पसंद रहता है। और यहाँ पर भी लड़की कह रही है मुझको अपने घर से प्यार है। और यह है मेरा घर परिवार, और यह है मेरा घर परिवार है। और परिवार माने क्या है? फैमिली। परिवार माने क्या है? फैमिली। और यहाँ पर हमें कुछ अक्षरों पर ध्यान देना पड़ता है। और ग, यहाँ पर पाठ्यपुस्तक में देखे तो गीत, गीत
से हो गया और ता, और ता कहाँ है? गीत। और यहाँ पर ता अक्षर का पहचान हो गई। और था, और था कहाँ है इस पाठ में? ता नहीं है, फिर भी और क्या है? और क्या है? धा, धा, और धा अक्षर भी यहाँ पर नहीं है। और प, पा वाले तो कहाँ है? पा, पकवान, पा मिल गया, पा अक्षर मिल गया। और यहाँ पर घा अक्षर मिल गया, और दा अक्षर मिल गया, और पा अक्षर मिल गया। और इन तीन अक्षरों को हम व्यंजन अक्षर कहते हैं। और व्यंजन अक्षर में गा, ता, पा अल्प प्राण अक्षर है। और ये तीन अक्षर कौन से अक्षर है? अल्प प्राण अक्षर है। और यहाँ पर थ एंड ध महाप्राण अक्षर है। और इस पाठ, इस गीत से हमें बहुत मनोरंजन मिलता है, और हर एक अपने अपने परिवार को पसंद करते हैं। और यहाँ पर एक ही मात्रा भी दिया गया, एक ही मात्रा कहाँ है इस पाठ में? एक ही मात्रा यहाँ पर है, पढ़ते, कहाँ पर है? पढ़ते। और यहाँ पर आई मात्रा है, ए मात्रा है यहाँ पर। और आई मात्रा कहाँ है? जाते, जाते, और यहाँ पर भी ए मात्रा है। और मीठे, और यहाँ पर भी ए मात्रा आए। और अच्छे, और यहाँ पर भी ए मात्रा आए। और कौन सा? आई मात्रा, आई मात्रा के अक्षर कौन से हैं? आई मात्रा के अक्षर भैया, यहाँ एक लाइन रहता है ए मात्रा के लिए, और यहाँ पर दो लाइन, और भैया आई के मा, आई की मात्रा। और नेक्स्ट है, हा आई मात्रा, और यहाँ पर है। और इन अगली मात्राओं पर हम ध्यान देने से जाते, मीठे, अच्छे, और ये तीन कौन से कौन सी मात्रा है? ए मात्रा। और यहाँ पर आई मात्रा है, भैया है। इस पाठ से हमें ये शब्द इन मात्राओं से मिलते हैं। और यहाँ पर आप भी एक बार अपने परिवार के बारे में सोचें। अपने परिवार में, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? कुछ घरों में सिर्फ दो बच्चे और माँ बाप रहते हैं, और कुछ घरों में दादी, दादा, और दो दो बहनें, और दो भाई, और ऐसे ज़्यादा लोग होते हैं एक परिवार में। ऐसा परिवार अपने 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 जानकारी के लिए हम एक बार पुनः ध्यान देंगे। और यहाँ पर आप तो द्वितीय भाषा के छात्र हैं, आपको हिंदी छठवीं कक्षा से शुरू हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा डायरेक्ट ये गीत पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या करना है, पहले वर्णमाला डेली, हर दिन वर्णमाला में जाना है, और वर्णमाला को सहारा लेकर और मात्राओं को सहारा लेकर आप इन अक्षरों को पढ़ना है, इन अक्षरों को पढ़ना है। और यहाँ पर इन अक्षरों को हम ध्यान देते हुए, इन मात्राओं को ध्यान देते हुए इन अक्षरों को पढ़ेंगे। और एक बार
की मात्रा, बड़ी की मात्रा, उ की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा। और ऐसा आप क्या करना है इस पाठ में, छा आ की मात्रा देना और ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऐसा कैसा है। और खा के लिए हम छ त द म स, इन अक्षरों के लिए 12 कड़ी लिखना है। और एक बार यह गीत सुनाएंगी। दादा पढ़ते हैं अखबार, पापा जाते हैं बाजार, दादी मीठे गीत सुनाती, माँ अच्छे पकवान बनाती, मैं और भैया दोनों पढ़ते, हम सब मिलजुल कर रहते, मुझको अपने घर से प्यार, यह है मेरा घर परिवार। और यह गीत कौन गाती होगी, और यह लड़की, क्योंकि यहाँ पर मैं और भैया कौन गाती है, यहाँ पर लड़की गाती है। और यह गीत कौन सुना रही है, लड़की। और आप कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप बोलने के लिए कोशिश कीजिए। और यहाँ पर दादाजी क्या पढ़ते हैं, दादाजी क्या पढ़ते हैं, दादाजी क्या पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार माने क्या है, न्यूज़पेपर। और दादी क्या सुनाती है, दादी क्या सुनाती है, दादी क्या सुनाती है, गीत सुनाती है, क्या सुनाती है, गीत सुनाती है। और पापा जाते हैं बाजार, पापा कहाँ जाते हैं, पापा कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं। और पकवान कौन बनाती है, पकवान कौन बनाती है, माँ बनाती है, कौन बनाती है पकवान, पकवान डिफरेंट डिफरेंट डिशेस हमारे लिए खाने के लिए, स्वीट्स होने दो, हॉट्स होने दो, और कुछ भी अपने मनपसंद खाना कौन बनाती है, माँ बनाती है। और यहाँ इस पाठ में कौन पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, मैं और भैया, मैं और भैया बोले तो कौन है, यहाँ पर एक लड़की है और एक लड़का, कौन पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, दोनों बच्चे पढ़ते हैं। और यह सब कैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कैसे रहते हैं, ऑल टुगेदर, एक साथ एक ही घर में रहते हैं। और सबको अपने घर पर क्या होता है, पसंद होता है और पसंद करते हैं, और इसलिए मेरा घर बहुत अच्छा लगता है और अपने घर से हमें प्यार है, ऐसा सब सोचना, अपने घर के बारे में सोचना, माता पिता के बारे में सोचना, भाई बहनों के बारे में सोचना, मेरा परिवार है यह हमारे लिए बहुत ग्रेट है और महानता की बात है, क्योंकि परिवार के बारे में सोचना अच्छी आदत है, अपने माता के बारे में सोचना, पिता के बारे में सोचना, और बड़ों के प्रति आदर देना, दादी माँ की बातें सुनना और दादा की बातें सुनना, और ऐसे हर एक के लिए हम रेस्पेक्ट देना है। हर लोग कैसे रहना चाहिए, घर में मिलजुल कर रहना चाहिए। और यह पाठ छठवीं कक्षा में क्यों दिया गया, मेरा परिवार, बच्चे भी अपने परिवार के बारे में ठीक तरह से सोचने के लिए यहाँ परिवार का बारे में पाठ दिया गया। बच्चे यहाँ पर कुछ प्रश्न और इस पाठ्य पुस्तक में ले लेंगे। अब अभी यही प्रश्न मैं भी पूछी थी, और एक बार देखिए टेक्स्ट बुक में। हाँ, तुम्हारे घर में कौन क्या क्या काम करते हैं, तुम्हारे घर में, मैं पूछ रही हूँ बच्चे, तुम्हारे घर में क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन क्या क्या काम करते हैं, तुम्हारे माताजी क्या करती है, हाउसवाइफ हो और नहीं तो किसी जगह पर काम करती करने दो, और नहीं तो और कुछ भी करने दो, मेरी माँ अध्यापक के स्थान पर रहकर टीचिंग करती है, और मेरी माँ वीडिया बनाती है, और मेरी माँ
क्या करती है, घर के काम करती है, अच्छी तरह से करती है। और कुछ करते हैं, मेरी माँ बैंक में काम करती है ऐसा। और तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मेरे पापा बैंक में काम करते हैं, मेरे पापा स्कूल में काम करते हैं, मेरे पापा बाहर जाकर मेहनत का काम करता है, ऐसा तरह तरह के काम अपने घर में करते हैं। इसलिए तुम्हारे घर में कौन क्या क्या काम करते हैं, ऐसे थोड़ा मन में सोचना है अपने घर में कौन कौन क्या काम करते हैं ऐसा। अच्छे बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे और इनके संबंधी ए मात्रा आई मात्रा के शब्द के बारे में जानेंगे। ओके, नमस्ते।